आज निकला है कंट्री मार्ग के SIO ऑर्गेनाइजेशन हुनाबाद की जानिब से एक कैंडल मार्च निकाला गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान की बेटी, हिंदुस्तान की बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ जो इंसिडेंट हुआ, जो अत्याचार हुआ, हम उसके खिलाफ में जो है ये कैंडल मार्च निकाले हैं। जिस तरीके से उनकी बैकबोन को, हड्डी को तोड़ा गया है, वो बैकबोन और हड्डी को नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन की बैकबोन को तोड़ने की कोशिश की गई है। और उनकी जबान को कतर कर, टन को कतर कर जो ये साबित किया जा रहा है, ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि हम जबान को नहीं कतर रहे बल्कि हम तुम्हारी आवाज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। तो ऐसे वक्त में, ऐसे हालात में हम स्टैंड लेते हैं, जहाँ पर हम, हमारा मजहब भी यही सिखाता है कि हम औरतों की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें। और बहुत ज़्यादा जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हरिजन गिरिजन सब मिलजुल कर भाई भाई की तरह रहते हैं, इस वातावरण को, इस पीसफुल वातावरण को तबाह करने के लिए ये काम किया गया है। इस मौके पर मैं यहाँ अरबाब मजाज से, हुकूमत से इस बात की अपील करता हूँ कि मुस्लिमों को देर ना किया जाए, इमीडिएट एक्शन उनके साथ किया जाए और हमारे जुरिस्डिक्शन और हमारी जो है अदलिया से भी, अदालतों से भी हमें ख्वाहिश करते हैं जानिबदारी ना बरतते हुए गैर जानिबदाराना तौर पर मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए, यही हमारी आवाज़ है। मैं इस पर SIO के तमाम नौजवानों को, SIO के अंदर जो दर्द रखने वाले ने स्टूडेंट को, जो हमारे मुल्क के लिए जो वफादारी का जज्बा रखने वाले बच्चों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमारे मुल्क के अत्याचार होने वाली बहनों के बारे, इन बहनों के बारे में जिनके बारे में जहाँ अत्याचार हुआ है, जो जुल्म हुआ है, उस जुल्म के खिलाफ आपने आवाज़ उठाई। ये आवाज़ इंशाअल्लाह बहुत जल्द हुकूमत हिंद तक पहुँचेगी और मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा।